कौन सा गर्भ निरोधक का इस्तेमाल आप करती हैं? वो तो हम नहीं करते हैं, जो करते हैं हमारे हस्बैंड करते हैं। गर्भ निरोधक कहाँ से मिलता है ये आपको पता है? नहीं, वो वही जानते होंगे। गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली, कब मिली और क्यों मिली? गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी हमें हमारे घर ससुराल आने पर हमारे पति से मिली। हमको सबसे पहले तो पढ़ाई से मिला, फिर समाज से मिला, यार दोस्त से मिला। नसबंदी के बारे में आप क्या जानती हैं? महिला ज़्यादा नसबंदी करवाती हैं या पुरुष? नहीं, महिला। तो प्रतिशत में आप बता सकती हैं, जैसे प्रति सैकड़ा के हिसाब से महिला कितनी नसबंदी करवाती हैं? 80 तक तो महिला करवा लेती हैं। 80%? हाँ। आपको क्या लगता है कि नसबंदी महिला को कराना चाहिए या पुरुष को? मेरे हिसाब से तो महिला ही सही है। क्यों? क्योंकि महिला लोग को नॉर्मल काम करना पड़ता है, पुरुष लोग को हार्ड काम है। अब मैं तो औरत हूँ, छोटा मोटा काम कर लेगी, वो तो आदमी है, अगर उनका हो जाएगा तो परेशानी हो जाएगा, कमाना खिलाना उनका काम है ना, कैसे वही करवा लेंगे तो कौन खिलाएगा पिलाएगा। मैं नसबंदी नहीं करा सकता हूँ, मैं महिलाओं के बारे में, मतलब महिलाएं कराए रहेंगी तो ठीक रहेगा। महिला तो काफ़ी बचाव में रहती हैं, जैसे 6 महीने बोझ उठाना, ये सब काफ़ी समस्या आती है। हाँ, लेकिन तो ऐसा मतलब परिवार वाले हैं, अपना देख लेंगे। तो मुश्किल पड़ती है तो आदमी घर पे दो चार रहते हैं, अपना कर लेते हैं उसमें एडजस्ट। अब हम लोग हैं तो अकेले रहते हैं, हम लोग कहाँ एडजस्ट करेंगे। पुरुष नसबंदी करवाते हैं तो उनको लगभग एक दिन बेड रेस्ट लेना पड़ता है, और फिर दूसरे दिन वो अपना बोझा वाला काम, भाग दौड़ वाला खुद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पुरुष क्यों नहीं आगे आते नसबंदी? पुरुष के ऐसा है कि जैसे कि घर में सास कराए या कोई और पहले पहले करवा लेते हैं तो देखते पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाते कि मम्मी कराए हैं, दादी करवाए हैं, तो तुम भी करवाओ, हम नहीं करवाएंगे। नहीं, मम्मी बड़ी कराए हैं तो पापा नहीं कराए हैं तो हम छोटा होके क्यों करवाए। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आती है घर में। यानी महिला की जिम्मेदारी महिला समझ के उनके ऊपर थोप देते हैं।